नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं खेल जगत की ताजा और बड़ी खबरें। आईपीएल के 14वें सीजन का 34वां मुकाबला अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। कोलकाता ने वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी की शानदार पारियों के दम पर मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया। बता दें, मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे, जबकि केकेआर ने 156 रनों के लक्ष्य को 15.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐसे में इस जीत के साथ ही कोलकाता के 8 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बराबर करने पर होंगी, क्योंकि वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को कंगारू टीम के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के 25 मैचों से चल रहे विजय अभियान को रोककर 3 मैचों की सीरीज में बने रहने के लिए हर स्तर पर प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में भारत को अपने बल्लेबाजी शीर्ष क्रम में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना से बड़ी पारियों की उम्मीद है। पिछले मैच में ये दोनों अच्छी शुरुआत नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से भारत ये मैच 9 विकेट से गंवा दिया था। बता दें, शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत महिला क्रिकेट टीम का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा, जिसमें भारत को कमबैक करने का सुनहरा मौका होगा। उधर न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था, जिसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को करारा झटका लगा है। इस संबंध में पाकिस्तान में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले उस्मान ख्वाजा का बयान सामने आया है। ख्वाजा ने कहा है कि पैसा बोलता है और दुनिया की कोई भी टीम भारत दौरे से इनकार नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश का दौरा रद्द करना खिलाड़ियों और संगठनों के लिए आसान है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वहां जाकर खेलने से इनकार का कोई कारण नहीं है। बता दें, ऑस्ट्रेलियाई टीम को अगले साल पाकिस्तान का दौरा करना है और ख्वाजा ने कहा कि उन्हें वहां जाकर खेलने से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं, मैंने यही सुना है कि लोग महफूज हैं और PSL खेलने वाले खिलाड़ियों ने भी यही कहा कि वो सुरक्षित हैं। उधर नवंबर दिसंबर में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए जगह का फैसला हो गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में यह विश्व कप खेला जाएगा। इसकी घोषणा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक विश्व कप की मेजबानी करेगा। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार से संपर्क किया था और हॉकी विश्व कप का समर्थन करने के लिए कहा था। CM ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय हॉकी की संभावनाओं को लेकर वह बहुत उत्साहित हैं। कलिंगा स्टेडियम में ही जनवरी 2023 में सीनियर हॉकी विश्व कप भी खेला जाएगा। CM ने कहा कि ओडिशा भारतीय हॉकी की सफल यात्रा का हिस्सा बना रहेगा। हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम का समर्थन करते रहेंगे। बता दें, इसमें मेजबान भारत समेत 6 यूरोपीय, 4 एशिया, 2 अफ्रीका, 2 ओशिनिया और 2 पैन अमेरिका की टीमें शामिल होंगी। वहीं स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और भारतीय टेबल टेनिस संघ के बीच का विवाद इन दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। मनिका को नेशनल कैंप में भाग नहीं लेने के कारण एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मनिका बत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था। इसके जवाब में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अपना पक्ष रखा था। इसमें कहा गया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए योग्यता ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए और इससे किसी शिविर में भाग लेने या भाग नहीं लेने से कोई संबंध नहीं है। भारत अपने सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को आगे भेजने से नहीं रोकेगा। केंद्र के जवाब के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय टेबल टेनिस संघ के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चुने जाने के लिए नेशनल कैंप में भाग लेना अनिवार्य किया था। उधर टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले ऊंची कूद के खिलाड़ी शरद कुमार इन दिनों दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती शरद के हृदय में सूजन की शिकायत सामने आई है। शरद ने कहा कि पहले जो रिपोर्ट आई थी उससे पता चला कि मेरे दिल में सूजन है, इसलिए कुछ और टेस्ट के लिए मैं वापस यहाँ आया हूँ। चूंकि मैं सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर रहता हूँ, इसलिए मैंने अस्पताल के अधिकारियों से कहा था कि मुझे घर जाने की अनुमति दी जाए। दरअसल पटना में जन्मे शरद दिल्ली के छत्तरपुर इलाके में रहते हैं, जो एम्स से नजदीक है। बता दें, शरद ने पैरा ओलंपिक में 1.83 मीटर की छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था। इससे पहले शरद एशिया पैरा गेम्स 2014 और 2018 के चैंपियन भी रह चुके हैं,
साथ ही वह 2019 के वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। उधर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि श्रीलंका प्रीमियर लीग यानी LPL का आयोजन 4 से 23 दिसंबर तक किया जाएगा। ये श्रीलंका प्रीमियर लीग का दूसरा चरण होगा। बता दें, इस द्वीपीय घरेलू T20 प्रतियोगिता के लिए विदेशी खिलाड़ियों का पंजीकरण 24 सितंबर से शुरू होगा। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 2021 घरेलू सत्र के शुरू होने की घोषणा नहीं की है, जो 5 सितंबर से आरंभ होनी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।